नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 26 फरवरी 2020 और 3 स्टार का वीडियो 27 फरवरी 2020 के लिए हाजिर है। लेकिन सबसे पहले सॉरी कि काफ़ी लेट से वीडियो डाल पा रहा हूं, थोड़ा सा अर्जेंट कुछ वर्क है, इस वजह से नहीं कर पा रहा हूं वीडियो रिकॉर्ड। तो 27 फरवरी 2020 यानी कि गुरुवार एक्सपायरी के डे के लिए मैंने 3 स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन डिस्क्लेमर अच्छे से पढ़ लें, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा दिए हुए स्टॉक्स मूव करे ही। यहाँ पर मैं इन स्टॉक्स में सिर्फ अपनी रिसर्च और एनालिसिस को आपके एजुकेशन पर्पज के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। इसलिए इसमें आप ट्रेड लेने से पहले अपने फैंसी एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी दोस्तों चैनल की नहीं होगी। तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है ग्रासिम का। देखिए, ये ग्रासिम का डेली का चार्ट है दोस्तों। डेली के चार्ट पर आप देख रही है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है ना, ये 4 बार से इसको ब्रेक करने का कोशिश किया था, लेकिन 5वां बार इसने सक्सेसफुल कर दिया। उसके नीचे आया हुआ है, स्टॉक थोड़ा वीक है, हो सकता है एक बाउंस मिले, यहाँ से अलग बात है। अगर इसके लो को ब्रेक करे तो तेज डाउनफॉल होगा। तो ग्रासिम कल अगर ऊपर की तरफ 706 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, बाय 706। पहला टारगेट होगा दोस्तों 711 711 का, दूसरा टारगेट होगा 716 716 का, और तीसरा टारगेट 721 721 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा 701 यानी 701 रुपए का। ग्रासिम नीचे की तरफ 699 ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 699। पहला टारगेट 694 694, दूसरा टारगेट 689 689, और तीसरा टारगेट 684 684 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 704 यानी 704 रुपए का। दोस्तों, शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी ट्रेड को अवॉइड कीजिए, उसके बाद ही अगर स्टॉक हमारे बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ही ट्रेड करें, वरना ट्रेड को अवॉइड कर दें। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। दूसरा स्टॉक है दोस्तों कोटक बैंक का। देखिए, ये कोटक बैंक का 50 मिनट का चार्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ये डेवलप करता जा रहा है कोटक बैंक। कोटक बैंक अगर कल ऊपर की तरफ में दोस्तों 1675 को अगर ब्रेक कर देता है तो बाय करेंगे, बाय 1675। पहला टारगेट होगा दोस्तों 1683 का यानी 1683 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 1691 का 1691 रुपए का, और तीसरा टारगेट 1699 1699 रुपए का। स्टॉप लॉस 1667 यानी 1667 का होगा। कोटक बैंक नीचे की तरफ में दोस्तों 1658 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1658। पहला टारगेट होगा दोस्तों 1650 का यानी कि 1650, दूसरा टारगेट होगा 1642 1642, और तीसरा टारगेट 1634 1634 रुपए का। स्टॉप लॉस 1666 यानी 1666 रुपए का होगा। दोस्तों, फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक आता है तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, मैं वहां पर लाइव मार्केट में भी कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ मार्केट ओपन होने से पहले भी, तो जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम स्टॉक है दोस्तों SBI का। देखिए, ये SBI का डेली का चार्ट है, हालांकि मैंने पोजिशनल कॉल SBI पर दिया हुआ है 331 के ऊपर, शायद 330 से 31 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये बिल्कुल अपर साइड में ये क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो कल अगर SBI ऊपर की तरफ में 331 ब्रेक करे तो बाय करेंगे, बाय 331 इंट्राडे में भी इसका यूज कर लेंगे। और पहला टारगेट होगा 334 का 334 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 337 337 रुपए का, और तीसरा टारगेट 340 340 रुपए का। स्टॉप लॉस 321 यानी 328 का होगा। SBI नीचे की तरफ में 326 ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 326। पहला टारगेट होगा दोस्तों हमारे पास 323 323 रुपए का, दूसरा टारगेट 320 320 का, और तीसरा टारगेट 317 317 रुपए का। स्टॉप लॉस लगाएंगे 329 329 का। और दोस्तों, अगर बिना स्टॉप लॉस, जैसा कि कल एक्सपायरी आपको पता है, तो कल ज़्यादा संभल कर ट्रेड करा देगा ही, मार्केट में 100 पॉइंट की गिरावट रही, तो कल एक्सपायरी है, कल भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको मिल सकती है, तो ज़्यादा संभल कर ट्रेड करें, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें। मेरी वीडियो एनालिसिस पसंद आती है दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।